मोमिनो, तुमको जायज नहीं कि जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ, और देखना इस नियत से कि जो कुछ तुमने उनको दिया है उसमें से कुछ ले लो, उन्हें घरों में मत रोक रखना। हाँ, अगर वो खुले तौर पर बदकारी की मुर्तकिब हो तो और बात है, और उनके साथ अच्छी तरह से रहो सहो, फिर अगर वो तुमको नापसंद हो तो अजब नहीं कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, और अल्लाह उसमें बहुत सी भलाई पैदा कर दे। और अगर तुम एक औरत को छोड़कर दूसरी औरत करनी चाहो और पहली औरत को ढेर सामान दे चुके हो तो उसमें से कुछ मत लेना, भला तुम बोहतान लगाकर और खुला गुनाह करके अपना माल उससे वापस लोगे? और तुम दिया हुआ माल क्यों कर वापस ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे के साथ सोबत कर चुके हो और वो तुमसे पुख्ता अहद भी ले चुकी हैं, और जिन औरतों से तुम्हारे बाप दादा ने निकाह किया हो उनसे निकाह न करना, मगर जाहिलियत में जो हो चुका सो हो चुका। ये निहायत बेहयाई और अल्लाह की नाखुशी की बात थी और बहुत बुरा दस्तूर था। तुम पर तुम्हारी माएं और बेटियां और बहनें और फूफियां और खालाएं और भतीजियां और भांजियां और वो माएं जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो और रजाई बहनें और सासें हराम कर दी गई हैं, और जिन औरतों से तुम खलवत कर चुके हो उनकी लड़कियां जिन्हें तुम परवरिश करते हो वो भी तुम पर हराम है। हाँ, अगर उनके साथ तुमने खलवत न की हो तो उनकी लड़कियों के साथ निकाह कर लेने में तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और तुम्हारे सुलभी बेटों की औरतें भी और दो बहनों का इकट्ठा करना भी हराम है, मगर जो हो चुका सो हो चुका। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। और शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम हैं, मगर वो जो कैद होकर बांदियों के तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ जाएं। ये हुक्म अल्लाह ने तुमको लिख दिया है, और इन मुहर्रमात के सिवा दूसरी औरतें तुमको हलाल हैं, इस तरह से कि माल खर्च करके उनसे निकाह कर लो, बशर्ते के निकाह से मकसूद इफ्फत कायम रखना हो न कि शहवत परस्ती। तो जिन औरतों से तुम लुत्फ अंदोज हुए उनका मेहर जो मुकर्रर किया हो अदा कर दो, और अगर मुकर्रर करने के बाद आपस की रजामंदी से मेहर में कमी बेशी कर लो तो तुम पर कुछ गुना नहीं। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। और जो शख्स तुम में से मोमिन आजाद औरतों से निकाह करने का मकदूर न रखे तो मोमिन बांदियों ही से जो तुम्हारे कब्जे में आ गई हो निकाह कर ले, और अल्लाह तुम्हारे ईमान को अच्छी तरह जानता है। तुम आपस में एक दूसरे के हम जिन्स हो, फिर उन लौंडियों के साथ उनके मालिकों से इजाजत हासिल करके निकाह कर लो, और दस्तूर के मुताबिक उनका मेहर भी अदा कर दो, बशर्ते के वो पाक दामन हो, ना ऐसी कि खुल्लम खुल्ला बदकारी करें और न दरपर्दा दोस्ती करना चाहें। फिर अगर वो निकाह में आकर बदकारी का इर्तिकाब कर बैठें तो जो सजा आजाद औरतों के लिए है उसकी आधी उनको दी जाए। ये बांधी के साथ निकाह करने की इजाजत उस शख्स को है जिसे गुनाह कर बैठने का अंदेशा हो, और ये बात कि सब्र करो तुम्हारे लिए बेहतर है, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है।